Hey coders, what's up? कैसे हो तुम सब लोग? I hope you all are fine. ठीक है, तो वेलकम है तुम्हारा फिर से CSS के दूसरे वीडियो में. फर्स्ट वीडियो में हमने एक ओवरव्यू लिया था. ठीक है, पहले वीडियो में हमने एक ओवरव्यू लिया था CSS के ऊपर. अब दूसरे वीडियो में हम लोग अब देखेंगे कि भाई CSS ठीक है, समझ गए CSS क्या होता है, पर हम लोग अब इसको लिखेंगे किस पे. ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हर प्रोग्रामिंग, हर लैंग्वेज को लिखने के लिए, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट हर लैंग्वेज को लिखने के लिए एक IDE चाहिए रहता है. ठीक है, IDE क्या होता है, जैसे कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं. ठीक है, तो लिखने के लिए क्या होता है, पेज चाहिए रहता है. ठीक है, पेज चाहिए रहता है और पेन चाहिए रहता है या पेंसिल चाहिए रहती है. ठीक है, वैसे ही कोडिंग भी जब करते हैं तो अलग टाइप के कोड एडिटर्स होते हैं. ठीक है, उन कोड एडिटर्स के ऊपर हम लोग उस कोड को लिखते हैं. भाई लिखते किससे हैं, हम लोग लिखेंगे कैसे, अपने ये कीबोर्ड से. ठीक है, कीबोर्ड की हेल्प से हम लोग उस पर टाइप करते हैं एंड उस वो कोड एडिटर पे वो सारी चीज़ें लिख के आती हैं एंड उसके ऊपर हम लोग रन कर सकते हैं कोड, टेस्टिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह की चीज़. ठीक है, तो हम लोग के वेबसाइट को बनाने के लिए भी हम लोग एक कोड एडिटर को यूज़ करते हैं जिसका नाम है VS Code. ठीक है, जिस IDE को यूज़ करते हैं, IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ठीक है, तो जिस IDE को यूज़ करते हैं उसका नाम है VS Code. ठीक है, अब जानते हैं कि भाई इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं. ठीक है, क्योंकि भाई ये देखो एक बहुत प्रोमिनेंट कोड एडिटर है. ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट कोड एडिटर है, हर जगह पर ये एडिटर यूज़ होता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर गूगल क्रोम ओपन करूँ एंड अगर मैं इसको अगर डाउनलोड करने का अगर मैं सोच रहा हूँ तो भाई आप कैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है डाउनलोड करना, आराम से भाई इसको डाउनलोड कर सकते हैं. सिंपली क्रोम पे है, क्रोम पे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे VS Code. ओके, VS Code को यहाँ पे हम लोग लिख दिए. ठीक है भाई, VS Code लिख दिए. अब यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ पे जो VS Code वाली जो लिंक दिख रही है इसके ऊपर क्लिक कर लें. मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा कि आप लोग के लिए और कन्वीनियंस हो जाएगा, आप लोग डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से एक्सेस ले सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे गए VS Code विजुअल स्टूडियो कोड पे. ठीक है, अब यहाँ पे जब आए तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा ओपन अप होने में एंड जब भी ओपन अप हो जाएगा तो एक अलग टाइप का इंटरफेस दिखेगा, शो अप होके आएगा. ठीक है, तो वही हो जाओ. ओके, सो ये देखो ये ओपन अप हो गया और कुछ ऐसा इंटरफेस आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा. अब इसमें क्या कर लें, यहाँ पे भाई देखो यहाँ पे है डाउनलोड फॉर विंडोज़. ठीक है, अगर आप विंडो यूज़र हैं तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे लाइक दिस, और ये क्या होगा, ये कोड एडिटर डाउनलोड हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग लिखा है. आप लोग के पे शायद ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए, पर मेरे पे ऐसे पूछ लेता है कि भाई किस पे डाउनलोड करना है, कहाँ पे, तो भाई मैं बोल दी कि हाँ भाई चलो ये पे इस सी ड्राइव में फिर से डाउनलोड कर दो. सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल प्लस जे दबाता हूँ तो यहाँ पे डाउनलोड वाला सेक्शन ओपन अप हो गया. कंट्रोल प्लस जे से डाउनलोड वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा. ठीक है, जिससे कि आप अपने डाउनलोड की जहाँ पे भी डाउनलोड की डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं कि कितना इंस्टॉलेशन हुआ है. ठीक है, अब देखो बातें करते करते डाउनलोड भी हो गया ये. अब ये जब डाउनलोड हो गया तो अब क्या कर लें हम लोग को डायरेक्टली, सिंपली कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये जो फोल्डर वाला आइकन दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करना है. एज यू कैन सी आप लोग का अगर पुराना वर्जन होगा तो वहाँ पे शो इन फोल्डर लिख रहा होगा. ठीक है, यहाँ पे नए वाले वर्जन्स में कुछ इस तरह से शो अप हो रहा है बट पुराने वर्जन्स पे शो इन फोल्डर दिख रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना है. क्लिक करने के बाद भाई जैसे हम लोग क्लिक करेंगे एज यू कैन सी यहाँ पे VS Code का सेटअप दिख रहा है, एकदम टॉप पे VS Code का सेटअप यहाँ पे दिख रहा है. VS Code यूजर सेटअप x64. ठीक है, 64 बिट का है. ठीक है, यूजर सेटअप दिख रहा है. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे डबल क्लिक, और डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो एक क्या होगा, इंटरफेस ओपन अप होगा जो कि इंस्टॉलेशन के काम आता है. ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे VS Code का इंस्टॉलेशन के लिए एक पॉपअप ओपन अप होके आया है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, सिंपली आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट. ओके, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है. फिर यहाँ पे क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन बता रहा है करने को, तो यहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें अनचेक होगी. ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी शायद अनचेक हो. ठीक है, तो उन्हें क्या कर लें, यहाँ पे सारी चीज़ों को चेक कर लेना. ठीक है, सब पे टिक लगा देना. टिक लगाने के बाद भाई नेक्स्ट करेंगे, देन यहाँ पे भाई हम इंस्टॉल करेंगे. ठीक है, जब इंस्टॉल करेंगे तो भाई अब ये थोड़ा सा टाइम देगा इंस्टॉल अप होने में. ठीक है, शायद आपके पे एक और आइकन, एक और ऑप्शन शो अप हो कि ब्राउज डॉक्यूमेंट या फिर कहाँ पे लोकेशन कहाँ पे सेव करनी है, तो आप रैंडमली आप सब पे नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिएगा. ठीक है, अभी उस चीज़ के बारे में उतना नहीं जानेंगे, सब पे नेक्स्ट अभी कर दीजिए. ठीक है, सब पे नेक्स्ट करके अब थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करेंगे डाउनलोड होने का कि भाई ये कैसे कब तक डाउनलोड होता है, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं.
तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये चीज़ डाउनलोड हो गई है। ओके, अब डाउनलोड जब हो जाएगी तो कुछ इस तरह से पॉपअप होके आएगा कि लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, फिर उसके बाद क्लिक फिनिश टू एग्जिट सेटअप वगैरह वगैरह की चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे भाई क्या करना है, सिंपली हमें फिनिश पे क्लिक अप कर देना है। जब फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा अपना VS कोड। ठीक है, VS कोड क्या होगा, ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो एडिटर है वो कुछ इस तरह से पॉपअप होके आएगा। ठीक है, आप लोग अभी कुछ इसी तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भाई देखो क्या करना है, सिंपली कि मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको काट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको पहले काट के हटा दूँ, आप लोग को भी काट देना, अभी कुछ नहीं, खाली स्क्रीन बस दिख रही है, डेस्कटॉप दिख रहा है मेरा। यहाँ पे भाई क्या करो ना, यहाँ पे एक CSS का एक फोल्डर ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन जब दबाएंगे ना, तो कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो न्यू फोल्डर के लिए एक शॉर्टकट की होती है। ठीक है, न्यू फोल्डर को क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे करेंगे CSS VS। ठीक है, मैं अभी ये नॉर्मल सा नेम दे रहा हूँ, आपको जो नेम देना वो दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर करेंगे क्लिक। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, अब क्या कर लें, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जब आप शिफ्ट और राइट क्लिक जब करेंगे, जब पहले आप शिफ्ट दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे, फिर राइट क्लिक दबाएंगे अपने माउस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ओपन विथ कोड करके दिखा रहा होगा आइकन। ठीक है, इसके ऊपर कर देना क्लिक। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा ना, कि आपको बार बार फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब फोल्डर बना के खींच के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फोल्डर से ही डायरेक्टली एक्सेस ले लेंगे VS कोड का। मतलब आप अपने फोल्डर से ही आप दूसरे VS कोड पे आप जा पाएंगे आराम से। ठीक है, तो भाई ठीक है, ये चीज़ भी समझ गए। अब क्या होता है, हम लोग एक काम करते हैं, HTML और CSS की फाइल बना के देखते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे भाई सिंपली हम फोल्डर पे आएंगे, और यहाँ पे भाई एक सिंपली यहाँ पे आइए, क्या हो रहा है, अच्छा ये अनटाइटल टेक्स्ट फोल्डर बन रही है, एडिटर है ये टेक्स्ट फोल्डर, इसको इसको हटा दो पहले। ठीक है, ये रहा CSS VS। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे हम एक नाम दिए index.html। ठीक है, index.html दिए यहाँ पे, तो एज यू कैन सी एक HTML फाइल बन गई। अब यहाँ पे देखो, गौर करने वाली बात क्या है कि आपके जो आइकन्स होंगे वो कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे। ठीक है, आइकन्स कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे, हाँ, और हमें इन्हें भी अपडेट करना है, तो कुछ एक्सटेंशन है उनको भी डाउनलोड करना पड़ेगा, तो अभी वो भी करेंगे डाउनलोड, उसका चिंता मत करिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक style.css की फाइल बनाई देते हैं style.css। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अब कुछ एक्सटेंशन है जिनको अभी डाउनलोड करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या कर लें आपको यहाँ पे, तो रुको, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कीबोर्ड मैपिंग ऑन कर देता हूँ, टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड। इससे क्या होगा ना, मैं जो भी चीज़ें टाइप करूँगा ना, वो सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिखेंगी, तो जिससे कि आपके लिए और आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो क्या करना है, अभी आएंगे हम लोग सिंपली एक्सटेंशन के ऊपर, ये देख रहे एक्सटेंशन वाला आइकन, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर लें, टाइप क्या करेंगे भाई, टाइप करेंगे सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे VS कोड आइकन्स। ठीक है, VS कोड आइकन, ये लाइक दिस। अब ये आपको जो दिख रहा है VS कोड आइकन, सब फर्स्ट वाला एकदम, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एज यू कैन सी ऐसा कुछ इंटरफेस दिख रहा होगा। ठीक है, ये इंटरफेस दिख रहा है। अब यहाँ इंस्टॉल पे आने के बाद यहाँ पे कर लेंगे इसे इंस्टॉल। ठीक है, जब हम लोग कर लेंगे इसको इंस्टॉल, तो भाई क्या होगा, ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, और क्या होगा ना, धीमे धीमे ये जो आइकन से अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी रहने देते हैं, इंस्टॉल होने देते हैं, तो थोड़ा सा बस टाइम लेते हैं इंस्टॉल होने में। ठीक है, इंस्टॉल हो गए, और तुरंत के तुरंत एक पॉपअप आएगा VS कोड आइकन्स को लेकर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे VS कोड आइकन जो ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर आपको कर देना क्लिक। ठीक है, जब कर देंगे क्लिक, तो एज यू कैन सी यहाँ पे आइकन जो है वो चेंज हो गया, ऊपर का जो आइकन है वो चेंज हो गया। ठीक है, और CSS में भी सेम चीज़। ठीक है, चलो इतना तो समझ गए। अभी नेक्स्ट थिंग भाई क्या करना है, कि नेक्स्ट एक और चीज़ है, जैसे मान लो कि भाई हम यहाँ पे अपने बॉयलर प्लेट देते हैं, ये दे दिए बॉयलर प्लेट, और यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपली कि वेब पेज टाइटल देते हैं वेब पेज का। ठीक है, और यहाँ पे ऐड करते हैं H1, दिस इज माई वेब पेज। ठीक है, दिस इज माई वेब पेज, इसको दे दिया। ठीक है, चलो समझ गए ये भी, पर हम लोग अब रन कहाँ पे करेंगे, हम लोग VS कोड एडिटर में बना तो लिए, चलो कोडिंग भी कर लिए, मतलब कि HTML की फाइल भी बना ली, पर हम लोग इसको ब्राउज़र पे कैसे एक्सेस करेंगे। तो भाई ब्राउज़र पे एक्सेस करने के लिए हम लोग एक एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे, जिसका नाम है लाइव प्रीव्यू, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हम लोग को मिलती है। फिर से आएंगे एक्सटेंशन के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे लाइव प्रीव्यू। ठीक है,
जैसे ही लाइव प्रीव्यू क्लिक करेंगे एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक इंटरफेस ओपन अप होके आ रहा है जो कि है लाइव प्रीव्यू microsoft.com। ओके ये आ रहा है। अब इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पे तुरंत इंस्टॉल। जैसे ही इसको करेंगे हम लोग इंस्टॉल, अब क्या होगा भाई ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो गया तुरंत। अब क्या होगा, अब हम लोग अपनी HTML की जो वेब पेज है वो आराम से रन कर पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं HTML के ऊपर, ठीक है खुला रखते हैं। हाँ अब हम लोग आते हैं अपने HTML के ऊपर और एज यू कैन सी एकदम टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे एक मैग्नीफायर ग्लास के साथ एक शो प्रीव्यू वाला आइकन शो अप हो रहा है, ठीक है शो प्रीव्यू वाला आइकन एक शो अप हो रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग कर देंगे सिंपली क्लिक। जैसे ही कर देंगे क्लिक तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज माई वेब पेज शो अप हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एंटर किए कि दिस इज दी न्यू वेब पेज। अब जैसे ही इसको किए तो क्या हो रहा है कि भाई जैसे ही इसको किए भाई साथ ही साथ क्या हो रहा है, बगल में लिखा भी रहा है, ठीक है सारी चीज़ें बगल में लिखा भी जा रही है। तो भाई यही फ़ायदा होता है। अब जैसे मान लो लाइव अगर हम कोई स्टाइल भी अगर हम एक इसमें डालते हैं ना, तो पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, हाँ अगर हम बहुत ज़्यादा छोटा हो गया हमें खुद नहीं दिख रहा, हाँ यहाँ पे अगर हम एक स्टाइल भी डालते हैं ना, स्टाइल दिए कि जैसे मान लो इसका स्टाइल देते बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है वॉलेट देते ब्लू वॉलेट बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉलेट दिए और यहाँ पे जो कलर है इसका उस कलर को हम दे दिए एलिस ब्लू, ठीक है उस कलर को एलिस ब्लू देते हैं तो काम नहीं कर रहा क्या, हाँ अभी काम कर गया, ठीक है कलर एलिस ब्लू दिए। तो एज यू कैन सी कि भाई ये लाइव मतलब कि यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लाइव आपका काम कर रहा है पूरा। वरना पहले क्या होता था कि पहले कंट्रोल एस दबाना पड़ता था या फिर सबलाइम जो एडिटर एक होता है उसमें क्या होता है ना, पुराना एडिटर थोड़ा उसमें क्या होता है ना कि कंट्रोल एस दबाएं फिर उसके बाद वेब पेज पे जाके कंट्रोल आर दबाएं तब जाके रिफ्रेश होती थी वेबसाइट। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग सिर्फ टाइप करेंगे बाकी सेविंग और रिफ्रेश वाला काम एक साथ कर लेगा, ठीक है यही फायदा होता है हमारे VS Code का, ठीक है। और भी चीज़ें, अब एक चीज़ आप और कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो फाइल वाला आइकन दिख रहा है यहाँ फाइल पे आके आपको ऑटो सेव वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको चेक कर देना है। अगर चेक है आप लोग का मतलब अगर करेक्ट वाला आइकन बना हुआ है तब तो ठीक है, वरना अगर नहीं बना है तो फाइल पे आएंगे आप लोग डायरेक्टली और यहाँ आने के बाद ऑटो सेव वाले पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि हर एक टाइम इंटरवल पे आपकी जो फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप सिर्फ अपने कोड पे ध्यान देंगे, बाकी के चीज़ों जो पीछे जो चीज़ें हैं वो सारी ये एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर मैनेज कर लेगा, ठीक है। सो एज यू कैन सी कितना कन्वीनियंट हो गया VS Code। वहीं पे अगर सबलाइम यूज़ करते तो सबलाइम में कंट्रोल एस बार बार दबाते रहो, ठीक है बार बार ध्यान रखना पड़ता था कि अरे भाई सेव भी करना है ना, ठीक है वेब पेज। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन अचीव फ्रॉम VS Code। और यहाँ पे कोडिंग करेंगे तो भाई मज़ा भी आएगा क्योंकि अलग टाइप के कलर्स भी आप अपने थीम भी सेट कर सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा एक ज़रूरी चीज़ और जो कि बताना था, इसको आप लोग एकदम नोट कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। जैसे मान लो अभी क्या हुआ ना कि यहाँ मैं इसको बड़ा छोटा कर पा रहा हूँ, ठीक है आप लोग के में अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं हो रहा होगा जिन लोग के में, वो लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे यार कैसे इनके में बड़ा छोटा कैसे हो जा रहा है यार, मेरे में तो हो नहीं रहा, ठीक है इसको कैसे करना है। तो भाई देखो वो करने के लिए सॉरी वो करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैनेज वाला आइकन देख रहे हैं जो गियर सेटिंग्स वाला आइकन है एकदम बॉटम लेफ्ट पे, इस पर आना है। आने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, ठीक है। जैसे ही आप एक्सटेंशन पे करेंगे यहाँ पे आपको टाइप करना है जूम, ठीक है यहाँ टाइप करेंगे जूम और जैसे ही जूम पे क्लिक करेंगे तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको एक आइकन दिखाएगा एडिटर माउस व्हील जूम, ठीक है एडिटर माउस व्हील जूम दिखा रहा है जो कि आपको शायद अनचेक हो, ठीक है इसको क्या कर लेना है, इसको कर लेना चेक, ठीक है इसको भी कर लिए चेक। अब भाई अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद माउस व्हील को हम लोग जैसे ही ऊपर नीचे करेंगे, माउस व्हील यानी ये वाली, इसको जैसे ही आगे पीछे करेंगे, अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, पीछे करेंगे तो छोटा होता जाएगा, ठीक है हाँ इसके थ्रू हम लोग आराम से ये चीज़ भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है चलो इतना भी समझ गए। अब एक आखिरी चीज़ जो कि आता है वर्ड रैप। अब जैसे देखो क्या होता है ना कि आप जब लंबे कोड लिखने पे लगेंगे, ठीक है जैसे लंबे कोड मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो दिस इज वेब पेज की जगह मैं अगर लिख रहा हूँ यहाँ पे लॉरम 200, ठीक है अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ ना तो एज यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जितना भी टेक्स्ट नहीं स्ट्रेच्ड आउट हो गया, स्ट्रेच हो गया ये, मतलब कि ये पूरा इधर चला गया, ठीक है
मुझे अपना कोड भी देखना और टेक्स्ट भी देखना है एक ही टाइम पे, पर ये क्या हो रहा है, ये पूरा इधर खिंच जा रहा है। अब इसको भाई कैसे मैनेज करें, तो इसके लिए की जाती है एक रैपिंग, जिसे कहते हैं वर्ड रैप। ठीक है, वर्ड रैप में क्या होता है कि भाई जो भी जितना टेक्स्ट खिंचा हुआ है वो सारा आपका एक ही पेज में आ जाएगा। मैं अब आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये किया मैंने लॉरम 200, 200 लाइन यहाँ पे लिख, 200 वर्ड यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और एक ही लाइन में लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट और जेड को दबाता हूँ। जैसे ही ऑल्ट और जेड मैं दबाऊंगा, एज यू कैन सी व्हाट आई हैव अचीव दैट, कि भाई ये जितनी चीज़ें थी ना वो सारी एक सिंगल पेज में आ गई। अब मैं इसको कितना भी बड़ा कर लूँ, ये सिंगल पेज में ही रहने वाली है। भले ही लाइन्स इंक्रीज होती रहेंगी बट ये सिंगल पेज में ही रहेंगी, ये स्ट्रेच नहीं होने वाली। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कैन अचीव फ्रॉम VS Code। ठीक है, तो यही था अभी तक के वीडियो में VS Code की। आई थिंक दैट आप लोग इसको अच्छे से इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि जितने भी अभी कोडिंग है वो सारी VS पे ही होने वाली है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू माई चैनल, लाइक टू द वीडियो। ठीक है, और मेरे LinkedIn का प्रोफाइल है, उसको ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स और सारी चीज़ें आती रहती हैं। एंड ऑल्सो GitHub को भी फॉलोअप कर लेना, एंड VS Code के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।